हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच एम सरसेस। एच एम सरसेस में खुश आमदीद दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की वीडियो में हम पाक से 38 ईयर्स के ऊपर, जो कि बहुत आजकल ट्रेंडिंग में है, दो स्पोर्ट्स चैनल चल रहे हैं और ये पाक से 38 ईयर्स वह देसी सैटेलाइट है जिसके ऊपर आपको दो स्पोर्ट्स चैनल मिलते हैं और दोनों के दोनों HD हैं। और मज़े की बात है कि दोनों फ्री हैं, ऐसी कोई सैटेलाइट नहीं होगी जिसके ऊपर आपको दो HD चैनल मिल जाएँ स्पोर्ट्स के, और होम भी दोनों के दोनों फ्री। तो आज की इस वीडियो में हम PTV स्पोर्ट्स और एयर स्पोर्ट्स, इन दोनों के सिग्नल आज हम ट्रैक करके आपको दिखाने वाले हैं। ये मेरे पास आप देख सकते हैं 5 फुट की डिश है, इसके ऊपर तो एयर स्पोर्ट बिल्कुल ओके चल रहा है और PTV स्पोर्ट भी इसके ऊपर ओके है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ये, आप स्क्रीन पर एक डिश देख रहे हैं, शबीर की अच्छी कंडीशन की डिश है, छोटी सी है लेकिन तकरीबन 4 फुट से थोड़ी सी ज़्यादा है, 4 फुट ही समझ लें। तो इसके ऊपर हम ट्राई करेंगे कि इसके ऊपर हम एयर सपोर्ट और PTV सपोर्ट, इन दोनों सपोर्ट्स चैनल के सिग्नल रिसीव करें और आपके साथ शेयर करें, क्योंकि 5 फुट डिश के ऊपर तो इसके सिग्नल रिसीव हो रहे हैं लेकिन कुछ दोस्तों के पास 4 फुट की डिश है तो वो कहते हैं कि 4 फुट के डिश के ऊपर भी हमें इसके सिग्नल ट्रैक करके दिखाएं कि इसके सिग्नल रिसीव होते हैं कि नहीं होते। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि कोई भी मजीद इस तरह की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं हम डिश की तरफ। सबसे पहले इस डिश को जो है, हमें ये HS7 के ऊपर हमने सेट की हुई है, इसको इस डिश को जो है हम इसके मूव करेंगे पाक सेट की तरफ और बकाया इसकी सेटिंग जो है मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये HS7 के ऊपर डिश सेट है। सबसे पहले हम इसकी जो LNB की पोजीशन है वो चेंज करेंगे और इसके साथ जो मीटर की वायर है वो अटैच करेंगे। अगर आपके पास मीटर नहीं है तो फिर आप इसके साथ जो TV रिसीवर वाली वायर है वो लगाएंगे। तो इसके लिए जो HS7 के लिए एलिमेंट की पोजीशन होती है वो कुछ ऐसे होती है, और पाक सेट के लिए जो है हम वर्टिकल TP लगाएंगे तो उसके लिए जो LNB की पोजीशन है उसको हम चेंज करेंगे। तो इसकी पोजीशन हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, ये तकरीबन 40 के ऊपर आपने इसको रख लेना है, यहाँ पे स्क्रू एंगल होते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ और ये आ जाएगा हमारा 40 के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे निशान होते हैं, तो ये तकरीबन 40 के ऊपर इसको हम रख लेंगे। LNB की पोजीशन कुछ ऐसे कर लेंगे और इसको हम अभी इसके साथ, ये मेरे पास मीटर है, इसमें मैंने PTV सपोर्ट वाली TP लगाई हुई है। आप देख सकते हैं PTV सपोर्ट की जो TP है वो चेंज हो चुकी है, 4003 वर्टिकली 13333 ये TP लगाएंगे। इसके साथ वायर अटैच करेंगे, जी तो दोस्तों TP भी लगा ली है, वायर भी मैंने इसके साथ अटैच कर ली है। अभी इसकी जो बीप है मीटर की वो मैं ऑन कर लेता हूँ, जैसे मुझे सिग्नल रिसीव होंगे तो इसकी बीप आएगी। ये दो काम करने के बाद LNB की पोजिशन चेंज की है, TP लगी है रिसीवर में मीटर में, और अभी हम डिश की बैक साइड पे आ जाएंगे और डिश को हमने इस साइड पे जो है HS7 रिसीव हो रहा है तो हम इसको अपने राइट साइड पे लेके आएंगे। इसका एलिवेशन लमसम सेम ही होता है, थोड़ा बहुत इसको अप डाउन करना पड़ेगा लेकिन HS7 और पाक सेट का जो एलिवेशन है बैक साइड पर आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही होता है। तो मैं डिश को अपने राइट साइड पर मूव करूंगा, जहाँ पे सूर्य ग्रूब होता है उस साइड पे लेके इसको हल्का सा हम अपने लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं डिश की बैक साइड पे आ गया हूँ और इसको मैं अपने राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ। ये यहाँ पे मुझे सिग्नल रिसीव हो रहे हैं इस जगह पे, ये देखिए आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मुझे पाक सेट 38 इसके ऊपर जो PTV सपोर्ट वाली TP है देखने 4003 वर्टिकल 13333 इसके सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। मज़ीद इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा इसके सिग्नल। जी तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे PTV सपोर्ट वाली TP के सिग्नल रिसीव हो गए हैं। अभी हम जो है आपके सामने TP लगाएंगे जिसके ऊपर एयर सपोर्ट चल रहा है, 4131 वर्टिकली 4107
तो ये टिप मैंने लगा ली है और इसके ऊपर भी आप देख सकते हो कि इसके सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। ये देखें, एक दफ़ा फिर देख लें, टीपी नोट कर लें, ये वही ए सपोर्ट वाली टीपी है, 4131 वर्टिकली 4167 ईटीपी के भी सिग्नल मेरे पास रिसीव हो रहे हैं। तो जो दोस्त कह रहे थे कि उसके पास जो है वो ए सपोर्ट के सिग्नल नहीं आ रहे, तो आप ये देख सकते हैं, मैंने आपके सामने इसको लाइव प्ले किया है और इसके सिग्नल मुझे ए सपोर्ट के भी सिग्नल रिसीव हुए हैं और पीटीवी सपोर्ट के भी सिग्नल रिसीव हुए हैं। तो ये देखें, ये आपके सामने जो चल रहा है ये पीटीवी सपोर्ट है। दोस्तों मैं आपको करीब से इसका लोगो भी दिखा देता हूँ, ये देखें इसका लोगो भी नज़र आ रहा है और इसके पीछे जो बैक साइड भी है ए सपोर्ट चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मज़ीद भी इस तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।